नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 74। ये क्वेश्चन खास इस वजह से है क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे डीपीपी का क्वेश्चन है, हमारे करियर पॉइंट की डीपीपी फर्स्ट में ये क्वेश्चन सीधा ऐसा का ऐसे ही लिखा हुआ है। बाय द वे हम लोग क्लास में भी करवाते हैं और सेम टू सेम क्वेश्चन ये पेपर में आ गया, तो जरा इसको देखते हैं ध्यान से कैसे सॉल्व करना है। देखिए इधर यहां लिखा हमने पूरा का पूरा प्रॉब्लम एक्स स्क्वायर लिखा है, आप ध्यान से देखना लिखने में ही इसका सोल्यूशन छिपा हुआ है। एक्स 4 + 1 लिखा है, 3/4 लिखा है, dx लिखा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है, अगर अपन एक्स 4 बाहर निकाल के लाते हैं तो 4 कैंसल होते हुए आएगा और 3 पावर और लेके आएगा, तो 3 और 2 5 हो जाएगा, 1/x 5 हो जाएगा, 1/x 5 यहां आने वाले 1/x⁴ का डेरिवेटिव होएगा, तो हम लोग इस पूरी चीज को टी मान लेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, इस x4 को कॉमन ले लिया, बाहर आके आ जाएगा 1/, यहां आ जाएगा x⁵, यहां आ जाएगा 1+1/x⁴³⁴ और यहाँ dx। अब अगर अपन चाहें तो 1/x⁴ को t मान सकते हैं, लेकिन हम 1 को क्यों छोड़ें, 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, तो हम इस पूरी चीज को t मान लेते हैं। तो हम लोगों ने पुट किया 1+1/x⁴ को t, और हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया तो इसका डेरिवेटिव 0, ये ऊपर चला जाएगा, -4 आएगा, अपॉन के अंदर x⁵ आएगा, यहाँ dx आएगा इक्वल टू dt आएगा। अब हमने इसको देखा तो हमें क्या क्या यहां मिल रहा है, 1/x⁴, x⁵ और dx, मतलब 1/x⁵ dx इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ये इधर ले गए, -1/4 dt, तो हमने लिखा -1/4, ये सारा का सारा चला गया dt के अंदर और ये ऊपर लेके चले गए t³ - 3/4। अब हम लोगों ने जो इंटीग्रल का बेसिक फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यूज कर लिया, तो हम लोगों ने जो फॉर्मूला यूज किया तो -1/4 आया, इसका इंटीग्रल t³ एक ऐड किया जाएगा 1/4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1/4 आएगा, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ये दोनों कट जाएंगे तो यहां बचेगा माइनस। अब ये हम लोगों ने लिखा टी के प्लेस पर जो हमने पुट किया था, क्या पुट किया था, 1+1/x⁴ को हमने टी पुट किया था, हमने टी की जगह लिख दिया उसको, पावर में लिखा है 1/4 + c, ये आंसर आ चुका है। अब अपने को केवल ये देखना है कि किस ऑप्शन में ये वाला आंसर दिख रहा है, तो हम लोग ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर 4 सीधा का सीधा ऐसे ही दिख रहा है, जिसमें क्या किया गया है, ये इधर मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो x⁴ + 1 लिखा है और डिवाइड बाय x⁴ लिखा है, होल टू दी पावर 1/4 लिखा है और प्लस सी लिखा है। इसका मतलब अपन सही कह सकते हैं कि जो ऑप्शन 4th है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन इस तरह का था, ये क्वेश्चन अपने डीपीपी का क्वेश्चन है। थैंक यू।